तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको इसके पीछे कितनी भीड़ है, कितना बड़ा किला है। हम अभी आपको सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में ही, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखो दोस्तों, ये आ चुके हैं किले के ऊपर, और ये किले का गेट है यहाँ पे, और विक्की अंदर जा चुका है, और अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे किले के अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का किला का मेन गेट, और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कुछ पुर्तकालीन चीज़ें, यहाँ पे आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ये बुक्स नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये यहाँ की कुछ हिस्ट्री है जो आप आगे पढ़ सकते हैं, या वीडियो को पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं। इसमें डेप्थ ऑफ ब्यूटी ऑफ न्यू दिल्ली, और ये यहाँ का है मॉडर्न, ये कितने इलाके में बसा हुआ है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप बीचों बीच आपको दिख सकता है हुमायूं का किला। ये हम यहाँ से एंटर हुए थे अभी, पर अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी जगह में फैला हुआ है, यहाँ पे घूमने में कम से कम हमें 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। और ये है यहाँ की कुछ हिस्ट्री दोस्तों, द मेकिंग ऑफ मेमोरियल, एंड ऑल्सो दिस द गार्डन एज पैराडाइज, मतलब जनता का सुंदर बाग। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये मेन किला यही है यहाँ का, और हम घूम सकते हैं इसकी, ये जो भी है यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है चारों तरफ, और मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें भी आप इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। डिवाइन लाइट ये आप देख सकते हैं, ये है डिवाइन लाइट जो यहाँ से आती है, तो रोशनी पड़ती है तो यहाँ पे ये चित्रकारी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है एक ओल्ड गेट, शायद वो टूटा हुआ है, लेकिन इसके अंदर का है ये ओल्ड गेट, हजरत निजामुद्दीन, ये देख सकते हैं दोस्तों, ब्लेसिंग्स के लिए यहाँ पे नमाज़ें पढ़ी जाती थी, और ये यहाँ पे लोग मुस्लिम लोग जो हैं यहाँ पे आके नमाज़ पढ़ते थे, जो पुराना टाइम है वहाँ पे। यहाँ पे पहले की संस्कृति है, ये जितनी संस्कृति है पहले की संस्कृति है यहाँ पे। एंड गाइस, यू आल्सो सीन द हिस्ट्री ऑफ हुमायूं टॉम्ब एंड द आर्टिटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब, कि ये कितने लंबे में भी फैला हुआ है और कितने लंबे में इसको फैलने के लिए दिया गया है। तो ये यहाँ पे पूरा मॉडल बना गया है, ये पूरा आर्किटेक्ट है, और ये जो मेन किला है, दिस इज़ द मेन टेम्पल ऑफ हुमायूं टॉम्ब। एक हिस्ट्री आपको सामने देखने को मिल सकती है, और अभी यहाँ पे आप कुछ हिस्ट्री की बुक्स भी यहाँ पे अफोर्ड करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको जो भी बुक पढ़ने का शौक है यहाँ पे आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। दैट्स द सेकंड आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब, और यहाँ पे कुछ उस वक्त के, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मटके रखे हुए हैं, पत्थर जो भी उस वक्त के थे वो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। एंड दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मटकी से बनी हुई जो चीज़ें रखी हुई हैं, ये उस वक्त के हैं जिस वक्त ये हुमायूं जिंदा थे और इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। तो ये यहाँ का थोड़ा हिस्ट्री है, तो इसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं आगे यहाँ पे हुमायूं टॉम्ब में, और घूमने के लिए काफ़ी बड़ी ये जगह ये साबित हो चुकी है। अभी हमसे गेट के अंदर आ चुके हैं, गेट का ऊपर कुछ इंसान है जो कि एम की एक लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रोशनी से आ जाती है, यही है लाइट वॉल जो यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे इसका जो मेन चित्रकारी बनती थी पीछे आके यहाँ पे मेन चित्र बनती थी उस वक्त यहाँ पे। सो वेलकम हेयर, इफ़ यू कम हेयर यू कैन गेट योर हिस्ट्री दिस हुमायूं टॉम्ब। जैसा कि आपने देखा अभी कि यहाँ पे इसकी सब कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, अभी हम मेन किले में गए नहीं है,
वहाँ पे जाएगा, आपको बताएंगे कि हुमायूं टॉम का जो भी मेन किला है वहाँ पे क्या है और मतलब क्या उसकी ब्यूटी है और क्या है उसमें, क्या अंदर हुमायूं के जो मकबरे है उसमें उसकी मतलब कब्र है या कुछ और है, तो अभी हम जाके आपको दिखाएंगे वहाँ पे, यहाँ पे क्या है और क्या नहीं। और अभी हम खड़े हुए हैं इसके गेट के नीचे, हम इसे गेट के नीचे खड़े हुए हैं और पीछे है एक हुमायूं टॉम। दोस्तों अभी आपको ये चलती है इसके अंदर हुमायूं टॉम के अंदर, आपको दिखा रहे हैं कि हुमायूं टॉम का किला कैसा है। तो देखिए बैकग्राउंड, दैट्स द हुमायूं का किला। ये काफ़ी बड़ा है देखने के लिए, ये पौंड है यहाँ से जा रही है वहाँ पे पानी के लिए, ये ज्वाइन है इसे काफ़ी लाइनें, ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये है हुमायूं का मेन किला जो कि काफ़ी बड़ा है देखने में और काफ़ी सुंदर दिख रहा है आसपास से। इसके चारों तरफ आपको देखने को मिल सकते हैं सुंदर सुंदर पार्क, घास चारों तरफ देखने को आपको मिल सकती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आएँ तो आप थोड़े शाम को आएँ, हम आप यही सजेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस वक्त दिल्ली में। तो उस तरफ लेफ्ट तरफ से ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं, लेकिन जो यहाँ का मेन है वो है यहाँ का मेन ये किला हुमायूं टॉम का, जो ये किला है ये यहाँ का मेन है। और अभी हमने आपको दिखाया था एक आर्किटेक्ट जो यहाँ का पूरा एक मैप था और एक उस पर दिखाया गया था वो कि यहाँ पे बस सिर्फ बीच में है ये किला जो है ये बीचों बीच है ये किला, एक किला और चारों तरफ इसके छोटे मोटे वो बने रहे हैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं लोग इसके ऊपर चल रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जाने की अनुमति है। तो अभी जाकर दिखाएंगे आपको इसके ऊपर कि क्या है इसके अंदर और क्या नहीं। फिर प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है किला और ये कैमरा पकड़ते पकड़ते मेरे हाथ में दर्द ही होने लगा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों विक्की आप ऊपर पहुँच चुका है, आपको दिख रहा होगा विक्की ये मुझे बहुत देर से दूसरे फ़ोन से एडिट कर रहा है, दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रहा है और मैं दूसरे से बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ऊपर पहुँच चुका है और ये यहाँ से जाने का है एंट्री गेट, यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ दरवाजे हैं जहाँ पे ताले लगे हुए हैं, जहाँ पर एंट्री की नहीं है, जहाँ पर एंट्री नहीं है हमारी। तो आप देख सकते हैं कि है यहाँ का सीन थोड़ा। ये काफ़ी खड़ा जिन्ना है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही खड़ा जिन्ना है यहाँ काफ़ी एकदम स्ट्रेट। अगर यहाँ पे चढ़ना है तो थोड़ा ध्यान से चलना, अगर कोई गिरा तो समझो काम ख़त्म। ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं छोटी मोटी और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग बाग घूम रहे हैं और ये काफ़ी खुला है इस तरफ से, हम आपको जाकर दिखा रहे हैं चारों तरफ का वो सीन। काफ़ी खुला है दोस्तों ये आसपास से, आप देख सकते हैं आगे नज़ारा, लोग भगा रहे हैं गेट के अंदर चढ़ के ऊपर, आप देख सकते हैं ये काफ़ी जगह में फैला हुआ है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ है जो कि ये अंदर है, यहाँ पे चढ़ना मना है, क्या पता ये चोर वगैरह, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़ा है कुछ सुरंग टाइप। आपको तो पता है हर ऐतिहासिक चीज़ में अंडरग्राउंड तो होना ही जरूरी है, जरूरी मतलब होता ही है, जितनी भी पुरानी चीज़ें अंडरग्राउंड हर उसमें मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये है यहाँ का अंदर, इसके अंदर कब्र दोस्तों आप देख सकते हैं कब्र है इसके अंदर, शायद इसका मेन गेट भी ऊपर की तरफ से हम आपको दिखाएंगे, अगर इसका मेन गेट होगा तो ऊपर की तरफ से आपको इसका दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हुमायूं के किले पे सबसे टॉप पे और अभी आपको देखने को मिल रहा होगा ये है यहाँ का गेट और इसके अंदर जाके देखा तो हमने कब्र दिखी है, हमको एक दो कब्र दिखी है देखने को मिली है। तो अभी हम देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको इसके अंदर का गेट और अभी हम चल रहे हैं इसकी तरफ, बैकग्राउंड में दिखता है आप कि यहाँ पर जो दीवारें हैं ये यहाँ से बंद हैं, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम भी पहले तरफ ट्राई करते हैं, देन वी ट्राई देयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग, आप देख सकते हैं लोग और बैठे हुए अंदर, तो इसका रास्ता इधर ही था बैकग्राउंड गेट बैक साइड ऑफ हुमायूं टॉम, क्योंकि इसका रास्ता है जो पीछे की तरफ से है
और हम आपको दिखाने वाले हैं इसका पूरा बैकग्राउंड, अभी क्या है यहाँ कोई क्या नहीं, किस तरफ है सूरज किस तरफ नहीं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ा है दोस्तों, छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा गेट है, काफ़ी बड़ा किला है ये। लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, इसके अंदर खाली है चारों तरफ से, बस इसके अंदर है एक कब्र, एक दो कब्रें और कुछ नहीं है इसके अंदर अभी तो, जहाँ तक हमने देखा अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ऐसे मेन गेट आपको देखने को मिलेंगे, लेफ्ट राइट सारी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे ये सेम गेट यहाँ पे। कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा मेरे को दोस्तों, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा हमें यहाँ आना, तो मुझे शायद वेस्ट लगा अपना, सच बात तो ये है। और यहाँ से आप उतर जा सकते हैं वो सामने वाले किले पे, अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर आए तो प्लीज़ यहाँ ना आए, अपनी तो यही राय है प्लीज़ यहाँ ना आए, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है यहाँ, हम सच बताएंगे आपको अपने ब्लॉग में कुछ खास नहीं है। इससे अच्छा तो आप लाल किला घूमाए, वो इसे काफ़ी बेटर है दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं इसके अंदर और आप देख सकते हैं इसकी छत का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है दोस्तों, आप डिज़ाइन देख सकते हैं छत का। और जी यहाँ पे दरवाजे पर लगे हुए हैं ताले ताकि कोई लोग ऊपर नहीं जाए, यहाँ शायद जीने हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों तरफ गेट हैं और गेटों पर लगे हुए हैं ताले। सच्ची में आज बोल बोल के गला इतना सूख गया कि पानी तक नहीं मिला दी। छत के लिए गेट बंद है, दोनों तरफ ये लगे हुए हैं गेट पे ताले। और अभी हम दिखाने वाले हैं आपको कि इस तरफ और इस तरफ ये तीन गेट हैं, ये तीनों ज्वाइन हैं और हम आपको भी ले जाते हैं इसकी तरफ अंदर। सो गाइस दिस इज़ अ मेन व्यू ऑफ द हुमायूं टॉम्ब एंड दिस इज़ अ हुमायूं टॉम्ब कब्रस। एंड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम वहाँ से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये है मेन कब्र, जो इस पूरे किले में कुछ नहीं है लेकिन जो भी है ये यहाँ का मेन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप, ये ऊपर एक बना हुआ ये शायद पानी वानी टपकने के लिए जो भी है, और ये है ये काफ़ी ऊंचा दोस्तों, एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, जंजीर से बंधा हुआ है, जो कि ना गिरेगा अभी ना ही गिरेगा, और इसका ये काफ़ी पुराने वक्त का है, फिर भी की खड़ा हुआ है यहाँ पे। और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी एक गेट है, अभी गेट है दोस्तों यहाँ पे भी गेट है, ऊपर भी गेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ की ब्यूटी कि कितनी बड़ी ब्यूटी हो सकती है यहाँ पे, हम देखने के लिए आपको मिल सकती है यहाँ पे। ये हम यहाँ से एंट्री गेट होते आज से भी दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है कब्र, यहाँ पे जो इसका टॉम्ब का कब्र है वो यहाँ पे मेन है। हम इसकी चादर से आपको दिखा सकते हैं ये है क्या यहाँ पे इस तरफ का, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका मेन है सबसे मेन वो यही है यहाँ पे मेन। यहाँ पे लोग का फोटो भी खिंचा लेते हैं यहाँ की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ें यहाँ पे अपनी यही मेन हो सकती हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये व्यू आप देख सकते हैं उससे उसका ऊपर जो व्यू है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ टिकट जितने भी टिकट लिया हमने, लेकिन यहाँ पीने का पानी के लिए कोई सुविधा नहीं है अभी यहाँ पे। आप देख सकते हैं लोग हमें वीडियो में आधा देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई शर्म नहीं करेंगे, हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए चारों तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे इसके अंदर बैठे लोग चारों तरफ बैठे हुए, लोग बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, गेट जो भी जब गेट यहाँ पे हो रहे हैं। चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं इसके अंदर खड़ा नज़ारा, ये बैकग्राउंड में क्या है इसके अंदर, ये गेट ये है और इसके अंदर चलते हैं अभी, इस गेट के अंदर क्या इसमें ये इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं आपको दूसरे वाले गेट की तरफ कि उस वाले गेट के अंदर क्या है, तो फिर से जाएंगे उस गेट के अंदर से। अभी जा रहे हैं दूसरे गेट की तरफ और वहाँ पे दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कौन सी दो कब्रें हैं, तो फिर से जाएंगे मेन वाले गेट से और देन वी आर शोइंग यू द सेकंड गेट। तो आप देख सकते हैं उस तरफ जो दूसरा गेट है वहाँ पे दूसरा गेट है, और ये यहाँ पे बाहर जाने के लिए गेट है आप देख सकते हैं। और हम अभी इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर भी आपको दिखाएँगे उस तरफ भी कुछ कब्रें हैं और इस बैकग्राउंड में कुछ कब्रें हैं, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ जिसके लिए हम आपको एक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएँ।
यहाँ पे कुछ ये है रोशनदान जो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से रोशनी आने के लिए। और ये है यहाँ पे मेन गेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो कब्रें यहाँ पे एक मेन कब्रें यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है ताकि जो भी आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है हम आप तक पहुँचा सकें, यहाँ पर वो मेन इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एक मेन कब्र बन चुके हैं यहाँ पे हमारी टॉम। और एक दूसरी वाली कब्र है जो पहले वाली से थोड़ी छोटी है, लेकिन इस हिमायी टॉम में इस इतना ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है। अगर आप जाना चाहो तो इससे अच्छा तो लोटस टेम्पल या फिर लाल किला जा सकते हैं हिमायी टॉम की वजह। हम आपको दिखाते हैं, और ये परेशान होता बच्चा है यहाँ पर बैठ गया है। तो दोस्तों हम आए थे हिमायू का किला, इसका नाम नाम तो काफ़ी सुना था, लेकिन नाम नाम था भाई, इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना चार कब्रें। देखो अब तक हम बता दे ताजमहल तो नहीं गए, लाल किला गए थे, लोटस टेम्पल गए थे, एक दो जगह इसके अलावा भी गई है, वहाँ वहाँ सब सुविधा मिल जाएगा आपको, पानी पीने से लेके अपने घूमने तक बैठने तक अच्छी अच्छी सुविधा। हाँ यहाँ की एक चीज़ है, आप यहाँ ना इस बाकी किस किले में जाओगे तो वहाँ चढ़ने नहीं देते, लेकिन यहाँ आप इसकी छत पे आ सकते हो, देख सकते हो, ये जैसे ये ताबूत बने हुए ना उनके बिल्कुल हाथ लगा के छू सकते हो, बिल्कुल डिटेल में आसपास जाके देख सकते हो, ये एक सुविधा है बस। लेकिन भाई जैसी फैसिलिटी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी आप आगे देख सकते हैं आपको यकीन ना हो तो। और बात तो सिर्फ इतनी कि यहाँ पे लोग इंडिया से नहीं आ रहे, लेकिन फॉरनर से भी लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनको कौन बताए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सच बताऊँ तो अभी तक मुझे यहाँ पर कुछ खास देखने नहीं मिला, सिर्फ एक बड़ी इमारत के अलावा यहाँ पे कुछ खास देखने के लिए मुझे भी नहीं मिला है। तो गाइस वीडियो में अभी जा रहे हैं इस किले के बाहर, और आपको दिखाने वाले हैं यहाँ से कि क्या मेन चीज़ और क्या नहीं यहाँ पे। आपको